हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। हमने आज के सेशन में, आपको ध्यान हो तो हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे। उन एग्जांपल्स में से मैंने आपको एक एग्जांपल छुड़वाया था जो था यू, और मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे यू का यूज बताएंगे। यू सिंगुलर है या प्लूरल है? तो मेरे अंदाज से शायद बहुत लोगों ने सोचा होगा और लिखा होगा। मैं आपको बता दूँ कि इसका आंसर क्या है दोस्तों। एक्चुअल में होता क्या है कि यू का मतलब होता है तुम, और ये तुम जो होता है ये एक के लिए भी यूज होता है और बहुतों के लिए भी यूज होता है। यदि आप सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो ये सिंगुलर भी हो सकता है, और यदि आप इसे प्लूरल बनाना चाहते हैं तो ये प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन इसके संग एक दिक्कत है, और दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है दोस्तों कि यू के संग आने वाली जो वर्ब होती हैं वो हमेशा एक ही रहेंगी। मतलब यदि मैं आपसे कहूँ यू आर, तो यू आर ही रहता है। यू के संग कभी इज नहीं लग सकता, यू के संग एम नहीं लग सकता, यू के संग कुछ और नहीं लग सकता, वॉज नहीं लग सकता। यू आर, या फिर मैं कह सकता हूं यू वेर पास्ट में, और फ्यूचर में यू विल बी। यही तो हमने पढ़ा था। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? यू आर, यू वेर या यू विल बी। क्लियर? तो दोस्तों, यदि आपको कोई सिंगल बंदा दिखाना है तो आप कह सकते हैं यू आर अ इंजीनियर। नो, इंजीनियर एन लेता है, तो आपको क्या लगाना है? एन इंजीनियर। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हमारा बना था, ये हमारा बना था ए और एन को लेके। मैंने आपसे कहा था कि सिंगुलर चीज ए और एन लेती है, और प्लूरल जो होते हैं वो ए और एन नहीं लेते हैं। तो यू का यूज जब आप सिंगुलर के साथ करेंगे तो वो ए और एन लेंगे, यदि आपने प्लूरल के साथ किया तो वो ए और एन नहीं लेंगे। क्या कहना चाहता हूं मैं आपसे? मेरा मतलब है, मैं यदि आपसे कहूं यू एक बंदे के लिए, या फिर किसी एक बंदी के लिए, किसी एक गर्ल या बॉय के लिए, तो मैं कह सकता हूं यू आर अ फ्रेंड। जी हाँ, यू भले ही प्लूरल है, लेकिन जब एक को दर्शाता है, एक को दिखाता है, तो आप हमेशा ऐसे सिंगुलर ट्रीट करते हैं। लेकिन वर्ब प्लूरल लगेगी, लेकिन नाउन जो होंगे वो सिंगुलर होंगे। जैसा मैंने आपसे कहा, यू आर अ फ्रेंड, यू आर अ फॉय, फॉय मीन्स शत्रु। You are an engineer, an engineer. You are a shopkeeper, you are a teacher. Is it clear दोस्तों? तो you यदि singular tweet होगा तो verb are लेगा, लेकिन noun singular लेगा। Now second thing आती है, जब हम you को plural tweet करते हैं, जब बहुत सारे लोग हों और you को दर्शाएं, you को दिखाएं, तो क्या करेंगे? तो मैं आपसे कहूंगा you are, अब ए और एन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल बन रहा है। तो यू आर फ्रेंड्स, यू आर फॉयज, यू आर इंजीनियर्स, यू आर शॉपकीपर्स एंड यू आर टीचर्स। इज इट क्लियर? तो दोस्तों, ये थी यू की कहानी। यू सिंपल है, लेकिन बस थोड़ा याद रखना है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों ट्वीट होता है। सिंगुलर जब ट्वीट होगा एक के लिए तो ए और एन ले सकता है, यदि प्लूरल ट्वीट होगा तो ए और एन नहीं लेगा। सिंपल है। नंबर नेक्स्ट में हमारी एक चीज रह गई थी, वो थी नेम। क्वेश्चन ये आता है कि सर, आपने प्रोनाउन बता दिए थे, लेकिन जब किसी का नाम यूज हो तो दोस्तों, पहली बात, नेम कभी प्रोनाउन नहीं होते। एक चीज गांठ बांध लें आप, नेम किसी का भी नाम जो होता है ना, राम, श्याम, सीता, गीता, पपीता, मतलब व्हाटएवर, ये कभी क्या नहीं होते? ये प्रोनाउन नहीं होते। तो क्या होते हैं? इन्हें हम कहते हैं नाउन। तो ये जो नेम है, आप इन्हें ट्रीट कर सकते हैं नाउन से। ये नाउन होते हैं, राइट? और जब ये नाउन होते हैं, इसलिए हमने अपने पिछले जो हमने सेशन किया था एग्जांपल्स का, उसमें हमने प्रोनाउन के एग्जांपल लिए थे, तो हमने नेम नहीं लिया था। लेकिन जब कोई भी नेम लेंगे आप, तो दोस्तों, वो नेम सिंगुलर है यदि राधिका, मोहन, राजू, स्नेहा, तो उसके साथ प्रेजेंट में इज, पास्ट में वॉज और फ्यूचर में विल बी का यूज करेंगे। जैसे राधिका इज ए टीचर, राइट? मोहन वॉज ए शॉपकीपर, ठीक है? राजू विल बी एन इंजीनियर, इंजीनियर है, एन लग गया। नंबर नेक्स्ट, स्नेहा इज अ फ्रेंड। स्नेहा एक दोस्त है, किसी की भी दोस्त हो सकती है, स्नेहा इज अ फ्रेंड। तो दोस्तों, ये था सेशन आपका, जिसमें मैंने आपको दो चीज बताई जो हमारी रह गई थी। नंबर वन, जो यू का सेशन था, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था यू का, तो आप सभी को आंसर मिल गया होगा। नंबर सेकंड,
नेम जब आते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम नेम का यूज करते हैं तो हमें कौन सी वर्ब कैसे यूज करनी है। तो दोस्तों फिनिश करते हैं आज का ये सेशन यहाँ पे। आपको डे वन के दोनों सेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि कहीं कोई भी डाउट है तो डोंट फॉरगेट टू राइट मी, डोंट फॉरगेट टू हैव योर वर्ड्स ऑन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हंग्री, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ एट योर होम। नमस्कार।